हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 75 डे चैलेंज का डे 41 और मैं सुबह की शुरुआत कर रही हूँ, मतलब दिन की शुरुआत कर रही हूँ गर्म पानी से। मैं चली एक्सरसाइज करने। आज की वेदर देख रहे हो, एकदम धूप नहीं निकली है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मे भी शायद आज बारिश होने की संभावना है और मैं दिखाती हूँ आपको छत से अपना घर का नजारा। विटामिन डी लेने आई थी और विटामिन डी का तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, डी तो दिख ही नहीं रहा है, सूरज का सन भी नहीं दिख रहा है, बट स्टिल एक्सरसाइज तो करना है क्योंकि अपने बॉडी को तो फिट रखना जरूरी है ना। तो मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. Now it's time to hydrate my body. It's not a game, it's a rich thing. बैजनी वस्त्र धारण करके बैजनी रस पी रही हूँ। सॉरी, बैजनी नहीं होता है, बैगनी होता है। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, सॉरी, प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। तो ये है, क्या है, जामुन, सुना जामुन? हाँ भाई, जामुन का ये जूस है जिसे मैंने घर पे बनाया है और ये एक्चुअली हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं जल्दी से इसे फिनिश कर लेती हूँ ताकि मेरा मैं पूरा अच्छे से और हेल्दी हो जाऊँ। फिनिश, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसमें मैंने कोई भी शुगर नहीं मिलाया था, सिंपल जामुन को मैंने ग्राइंड करके ये जूस बनाया था, ठीक है। तो क्योंकि ये कुकिंग चैनल नहीं है इसलिए मैं रेसिपी नहीं बताऊंगा, वो आपको ही करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कुछ देर बाद। तो इस चैलेंज में हमें 10 पेजेस ऑफ नॉन फिक्शन बुक पढ़ना है, जिसमें मैंने पढ़ा है एक बुक जिसका नाम है सेक्स लव एंड मैरिज बाय जैक कोनेन। और उन्होंने उस बुक में बहुत ही अच्छे से लिखा है कि कैसे एक क्रिश्चियन बिलीवर को रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, हमें शादी कब करनी चाहिए और भी बहुत सारी बातें हैं उस बुक में।
और वो सारे बुक में, मतलब वो बुक में जितने भी चीज़ें लिखी हुई वो सारे वो उन्होंने बाइबल से इंस्पायर होकर लिखा है। बहुत सारे उसमें बाइबल वर्स भी दी हुई है जो कि प्रूफ करता है कि हाँ बाइबल हमें क्या सिखाती है कि क्या हमें रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो आप भी वो बुक पढ़ सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं भी हमेशा गॉड से कनेक्टेड रहूं और किस प्रकार हमें एज अ क्रिश्चियन हमें कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें संसार की ओर खींचती है और बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो मैंने अपने लाइफ में इंक्लूड किया है कि कैसे मैं इस 75 हार्ड चैलेंज को कंप्लीट भी कर सकूं और एक एज अ बिलीवर कैसे अपना लाइफस्टाइल को जियो। तो मैंने इसमें इंक्लूड किया है बाइबल को, ये है संपूर्ण अध्ययन बाइबल, जिसमें बाइबल का जो इतना वर्स है वो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। प्लस इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जो कि बाइबल से हम लोग कई बार होता है कि समझ नहीं पाते हैं, तो इस बुक्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो मैं ये बुक पढ़ती हूँ हर दिन। तो मैंने 75 हार्ड चैलेंज में इस बुक को इंक्लूड किया है। इसमें मैं डेली 10 पेजेस पढ़ती हूँ और आज के लिए मैं शुरू करती हूँ। तो मैं जल्दी से ये बुक पढ़ के ख़त्म करती हूँ, मतलब पूरा बुक को तो नहीं, ओनली 10 पेजेस पढ़ के मैं ख़त्म करती हूँ। और आज आप भी मेरे से इंस्पायर होकर आप भी ये चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़ पढ़ के मैंने बुक का क्या हालत कर दिया देख सकते हैं आप, ये कवर पूरी फट चुकी है बट स्टिल अंदर के पेजेस फटी नहीं है, अच्छी कंडीशन में है। और वैसे भी मुझे बुक पढ़ने से मतलब है ना, तो हाँ बुक पढ़ के मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ कि कैसे अपना रिलेशन गॉड के साथ अच्छा कर सकूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ।